Good morning, students. As we discussed in our last chapter, that Hans Wolff, who was a German army leader, he liked Thomas Hardy as a writer and his book Far From the Madding Crowd. And now they discussed about the characters of this novel, Far From the Madding Crowd. Their characters are Bathsheba, Gabriel Oak, and Sergeant Troy. He had a wife and one son born just 6 months ago. Now he was talking to Mr. Jim McPherson about his personal life. He told him that he had a wife and a son who is just 6 months old. As I looked about me, there were huddles of khaki, laughing, talking, drinking, eating, etc. Now he is saying that he says to his wife. Who says to his wife? Mr. Jim McPherson tells his wife that when he saw in surroundings, there he saw that everywhere British soldiers and German soldiers were talking, laughing and drinking with each other. Hans Wolff and I shared what was left in your wonderful Christmas cake, Connie. Now he tells his wife that his wife made a cake for him for Christmas evening. So he says that he shared this cake with Mr. Hans Wolff also. And he thought the marzipan was the best he had ever tasted. Hans Wolff also praised his sweet because he had never eaten such a sweet before it. I agreed. Then Jim McPherson says, I agreed with him. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Now he says to his wife that I had never enjoyed such a party in my life. In this paragraph, I want to tell you in Hindi, जब जिम मैकफर्सन और मिस्टर हैंस वुल्फ आपस में बातें कर रहे थे तो वो किस चीज़ के बारे में बातें करते हैं. एक तो जो जिम हैंस वुल्फ वो बताता है कि मैं जो है इंग्लैंड में डॉर्सेट के बारे में जानता हूँ. डॉर्सेट एक जगह का नाम है जहाँ से मिस्टर जिम मैकफर्सन बिलोंग करते हैं. तो वहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, लेकिन वास्तव में जब उन्होंने बातें की तो इन्हें पता चला कि वो कभी भी उस जगह पर गया नहीं है. उसने सिर्फ इस जगह के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ा है. और फिर वो उसको बताता है कि थॉमस हार्डी जो कि एक राइटर हैं, वो मेरे फेवरेट राइटर हैं और उनके द्वारा लिखी बहुत ही फेमस बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. वो एक बहुत ही ज़्यादा उनकी पसंदीदा बुक है जिसके करेक्टर्स हैं बादशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय. वो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. और फिर वो जो हैंस वुल्फ हैं जो जर्मन सेना के लीडर हैं, वो बताते हैं कि मेरी एक पत्नी है, एक मेरा 6 महीने का बच्चा है. और फिर जो है यहाँ पर जिम मैकफर्सन बताते कि मैंने आस चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि हर जगह पर जो है हमारे सिपाही हंस रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे. तो इस तरह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय उस दिन करते हैं. हैंस वुल्फ जो है और जिम मैकफर्सन एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करते हैं. कॉनी ने अपने पति के लिए एक बहुत ही अच्छी मिठाई जो कि एक केक होता है मार्जिपन, उसको भेजा था. और वो जब हैंस वुल्फ के साथ उसको शेयर करता है तो हैंस वुल्फ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है कि मैंने इससे पहले ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई थी. और वो बाद में क्या बताते हैं कि हम एक दूसरे की हर बात से एग्री करते हैं. देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी. और बताते हैं कि मैंने आज से पहले कभी तक जो है इस तरह की क्रिसमस पार्टी इन्जॉय नहीं की थी. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. ग्रेट कोर्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टोमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. यहाँ पर राइटर क्या बताता है हमें कि जिम मैकफर्सन और उस और हैंस वुल्फ जब बैठे थे तो वहाँ पर जो है कोई एकदम से जो है एक फ़ुटबॉल लेकर के आ जाता है. तो सभी जो सोल्जर्स थे वो अपने कोट्स जो उन्होंने पहन रखे थे बड़े कोट्स, उनको उठा कर निकाल करके डंप लगा देते हैं.
और उस डंप को जो है वो किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गोल पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। और दूसरी बात जो हमें पता थी वो क्या थी कि इस नो मैन लैंड पे जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, जो कि एक वॉर लैंड थी जहाँ पर सभी छिप करके वार करते हैं, वहाँ पर जो है हम सब आपस में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। फ्रिट्ज मैंने आपको बताया था किसकी सेना को बोला गया है, जर्मन आर्मी के लिए फ्रिट्ज बोला गया है। और टॉमी कौन है, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सोल्जर्स, वो एक दूसरे के साथ जो है मैच खेलना शुरू कर देते हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं जो है देखते हैं उनकी तरफ और बड़ी खुशी जाहिर करते हैं, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फिट। हम जो है तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और पैर जो है स्टैम्प करना शुरू कर देते हैं। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, एज मच एज एनीथिंग। और हम जो है ठंड को दूर भगाने के लिए जो है जितनी कोशिश हो सकती थी अपनी जो है क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, पैर से जो है स्टैम्पिंग करना शुरू कर दिया ताकि जो है हमें ठंड ना लगे। देर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आउट ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक और मोमेंट था जहाँ पर हमने क्या मैंने क्या नोटिस किया, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स, हमने अपनी सांसों को, मैंने अपनी सांसों को नोटिस किया जो कि किसके द्वारा, मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जो कि हमारे बीच जो है हवा के बीच में जा रही थी। हाउ ही सो इट, ही सो इट टू एंड स्माइल्ड। उसने भी देखा कि हमारी जो सांसें थी वो हवा में मिक्स हो रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। जिम एंड स्माइल्ड और हंसता है जिम मैकफर्सन। नाउ हैंस वुल्फ सेज प्रनाउंसेज हिज नेम, उसका नाम पुकारता है जिम मैकफर्सन और कहता है आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार, यही वो तरीका है जिससे हमें इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, हमें फुटबॉल मैच खेलना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच खेलने में किसी की मौत भी नहीं होगी। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम विडोज, ना किसी की पत्नी जो है विधवा होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं फुटबॉल की बजाय किसको प्रेफर करता हूँ, क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ, कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्रिकेट गेम जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और जर्मन्स को फुटबॉल। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तभी हम जो टॉमीज जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीतने के लिए बिल्कुल श्योर होंगे, प्रोबेबली हम जो है संभवतः ये मैच जीत जाएंगे। वी लाफ डेट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम इस बात पर हंसते हैं और इकट्ठे बैठ करके जो है वो गेम देखते हैं। सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वॉन 2-1, और बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ेगा कि इस जो ये हमारा फुटबॉल मैच हुआ था इसमें जो है जर्मन्स जीत जाते हैं और हमारा जो गोल था वो क्या था, 2-1 का रेशियो से जो है वो जीत जाते हैं। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, लेकिन हैंस वुल्फ ने बताया था कि हमारा जो गोल था वो उनके गोल से बड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और अब समय आ गया था जब हमारी सारी चीज़ें खाने की, जो जैसे उनकी एक ड्रिंक था जर्मन ड्रिंक वो भी ख़त्म हो चुका था, उनकी रम की बॉटल्स भी ख़त्म हो चुकी थी, उनका जो मीट था वो भी ख़त्म हो चुका था और हमें पता था कि सब कुछ जो है अब ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और मैंने विश किया हैंस को कि जो है एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी कि जल्दी तुम जो अपने परिवार से दोबारा मिलो और ये युद्ध जो है जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सभी जो है अपने घरों को जा पाएँ। तो इस स्टोरी में अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो है यहाँ पर 1914 में हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में बताया गया कि जब जर्मन्स और ब्रिटिशर्स सामने सामने एक दूसरे से युद्ध के लिए अपने ट्रेंचेज में खड़े थे, अपने ट्रेंचेज में छिपे हुए थे,
तब वहाँ पर जो है एक बड़ा ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट होता है, और वो सरप्राइजिंग इंसिडेंट क्या था, 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे होता है, और उस दिन जो है जर्मन्स जो है सभी चीज़ें भुला करके टॉमीज़ के साथ यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ मैच खेलने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए आगे आ जाते हैं, और ब्रिटिशर्स भी उनको बड़ी खुशी के साथ ज्वाइन करते हैं, और वो जो है उसके बाद खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, फुटबॉल का गेम खेलते हैं, और इस बीच में हमें क्या पता चला उनकी इंटेंशंस क्या थी, वो दोनों ही जो है वॉर करना नहीं चाहते थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे, दे डिडंट लाइक वॉर्स, और इसीलिए जो है हैंस वुल्फ कहता है कि हमें जो है काश ये सब जो है फुटबॉल मैच की तरह हम इसको खेल सकते जिसमें ना कोई बच्चा जो है अनाथ होगा, ना किसी की पत्नी विधवा होगी, और ना ही कोई मरेगा, और इस तरह से जो है वो सब अब इंजॉय करते हैं, और इस मैच में जो है जर्मन्स की जीत होती है, और उसके बाद वो क्या बताते हैं जो मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो हैंस वुल्फ को विश करता है कि तुम जल्द ही जो है अपने परिवार से मिलो और ये युद्ध जो है ख़त्म हो जाए और हम सभी जो है घर को जा पाएँ। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू।